दोस्तों आज बात करते हैं घटोत्कच और कौरव सेना के युद्ध में क्या हुआ था और घटोत्कच की मृत्यु कैसे हुई। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों महाभारत युद्ध के 14वें दिन घटोत्कच ने कौरव सेना में त्राही त्राही मचा रखी थी। दुर्योधन के किसी भी तीर का घटोत्कच के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दुर्योधन का उसने रथ पकड़ के खिलौने की तरह घुमा दिया था। दुर्योधन ने कर्ण को इंद्र से मिला हुआ अस्त्र उसके ऊपर चलाने को कहा। कर्ण ने कहा, भाई ये तो मैंने अर्जुन के लिए रख रखा है। दुर्योधन ने कहा, अबे इससे बचेगा तभी तो लड़ेगा अर्जुन से। फिर फाइनली कर्ण ने इंद्र का अस्त्र घटोत्कच के ऊपर छोड़ दिया। दोस्तों जब घटोत्कच को मारने के लिए कर्ण ने इंद्र का अस्त्र छोड़ा, ये शक्ति घटोत्कच सह नहीं पाया और पीछे की तरफ गिरने लगा। भीम ने अपने बेटे घटोत्कच को आवाज मारी, हमारी तरफ मत गिर, कौरवों की तरफ गिर। फिर मरते मरते घटोत्कच ने अपना साइज कई गुना बड़ा कर दिया और कौरव सेना के ऊपर गिर के एक अक्षौणी सेना मार दी। इस तरह घटोत्कच का अंत हुआ। यह देखकर भगवान कृष्ण हंसने लग गए। तो भीम ने बोला, भगवान मेरा बेटा मर गया, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? भगवान कृष्ण ने भीम से कहा, तुम चिंता मत करो, घटोत्कच को उच्च लोक की प्राप्ति हुई है। मैं हंस इसलिए रहूं, जो कर्ण ने तीर अर्जुन के लिए बचा के रखा था वो भी खत्म हो गया है, अब वो उसका यूज दोबारा नहीं कर सकता। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगली आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। हरे कृष्ण।